पहली बार देश के अंदर इतना दुर्दशापूर्ण लोक समर्पित राजनीति से नहीं राष्ट्रनीति से प्रेरित होकर के बजट पेश किया गया। उसके लिए मैं माननीय सुरेश प्रभु जी, श्री मनोज सिन्हा जी, उनके सभी अधिकारियों का बहुत बहुत उनका बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। आई हैव फ्यू सजेशंस वेरी फास्ट। नंबर वन, लगभग प्रतिदिन 2.3 करोड़ लोग 12,000 ट्रेनों में यात्रा करते हैं, उनमें लाखों लोग भीड़ में और हजारों लोग बीमारी की हालत में सफर करते हैं, लेकिन किसी बीमार को किसी भी रेलवे स्टेशन में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इस रेलवे स्टोर कम से कम बड़े स्टेशनों पर चाहे पीपीवी मॉडल पर मेडिकल स्टोर फार्मेसिस्ट के साथ दिया जाए, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और रेलवे को आमदनी मिलेगी। नंबर टू पॉइंट, हमारे उसमें जो गरीब लोग है, ज्यादातर गरीब लोग सफर करते हैं, उसमें जीएस जो कोचिज है उनकी संख्या बहुत कम है, 12-12 घंटे तक लोग खड़े रहते हैं। ये पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप की सिफारिश थी कि कम से कम 6-7 डिब्बे जो है वो हर एक ट्रेन के अंदर लगाए जाए, नहीं तो हर साल 2013 के अंदर लगभग 20,000 लोग जो है मरे, 20,000 के आसपास हर लोग हजार लोग मरते हैं। नंबर थ्री, जब से मैं एसी ट्रेन में चला हूँ, एक बात मुझे परेशान करती है, पहले डिब्बों को इतना ठंडा किया जाता है, ऊपर से ओढ़ने के लिए कंबल दिए जाते हैं, और पिछले साल 28 करोड़ में 70,000 कंबल खरीदे गए, तो इनको जो है नेशनल वेस्टेज को बचाया जाए। नंबर चार, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बात कर रहा हूँ, हमारे अगर किसी को चलते फिरते नरक में सफर करना हो, अनुभव लेना हो, तो मेरी सादरा सहारनपुर रेलवे उसमें यात्रा करनी चाहिए। उसके लिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन भी किया है कि वहाँ पर जो है सुविधा दी जाए। नंबर पाँच, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सब लोगों के लिए दिल्ली में अगर हमको फ्रेश फल चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, अनाज चाहिए, उसके लिए किसान रेल की जो है शुरुआत की जाए और हमारे जो उसमें क्षेत्र के अंदर उसको किया जाए। नंबर सिक्स, बजट उसके लिए सिक्योरिटी के हिसाब से हमने बड़े स्टेशनों पर सब किया है, छोटे रेलवे स्टेशनों का उसको जो है ध्यान दिया जाए। ये धन्यवाद।